हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बिजी नॉलेज क्लासेस। हम कशे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वही चैप्टर लास्ट वीडियो का रैंकिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आप लोगों को हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है ए और ए का स्थान दाएं से दिया 18वां और एक व्यक्ति बी का दिया बाएं से 14वां और उनके मध्य में दोनों के मध्य में जो व्यक्तियों की संख्या दी है वो कुल व्यक्तियों के 1/5 है। अलग क्वेश्चन है, यानी लास्ट वीडियो जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उससे बिल्कुल अलग है। देखिए कैसे करते हैं इसको। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति एक स्थान बाएं से 14वां है, जबकि व्यक्ति बी का स्थान दाएं से 18वां है, तो हाँ 18वां है। उसके बाद एक और इसमें स्टेप दिया है, 18वां है। यदि दोनों के मध्य कुल व्यक्तियों का 1/5 भाग हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। मैं कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो इसे कैसे करेंगे देखिए। इसे करने का तरीका, तो सबसे पहले समझते हैं इसको। जैसे ये मैंने पंक्ति मान ली, ये पंक्ति है, ये स्थान दिया है इसका ए का 14वां, बाएं से दिया है और इसका स्थान है दाएं से 18वां। अब इसमें कहा गया है कि टोटल जो मध्य में इनके व्यक्तियों की संख्या 1/5 कुल व्यक्तियों के, तो मैंने कुल व्यक्ति कितने मान लिए, मैंने मान लिए कुल व्यक्ति एक्स। कुल व्यक्ति कितने मान लिए, एक्स मान लीजिए। ओके, कुल व्यक्ति एक्स मान लिए। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है इसके मध्य में जो व्यक्ति हैं वो कुल के एक्स बटे कुल के 1/5 है। कुल मतलब एक्स और एक्स का 1/5 करेंगे तो एक एक्स बटे 5 हो जाएगा। तो एक्स का 1/5 ऐसे होगा बराबर एक्स बटे 5, बात वही है, ये हो जाएगा एक्स बटे 5। अब इसका कुल व्यक्ति निकालने का तरीका क्या होता है, आपको दाएं से पता लग गया, बाएं से भी पता लग गया, ये भी है, दाएं और बाएं दोनों से स्थिति पता लग गई और मध्य में भी पता लग गया। जब मध्य में पता लग गया, अब ये निश्चित है इस प्रकार का, अब कुल व्यक्ति हमें निकालने हैं। तो कुल व्यक्ति निकालने का तरीका क्या, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे कुल व्यक्ति निकालने के लिए, दोनों को ऐड करेंगे और मध्य में जितने व्यक्ति हैं उनको भी ऐड कर देंगे, है सिंपल बहुत ही। तो कुल व्यक्ति हमारे एक्स है, तो एक्स बराबर जब ऐसे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 + 18 + x/5। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, समझे, क्योंकि दाएं से बाएं से स्थान, दाएं से स्थान और मध्य में व्यक्तियों की संख्या पहले ही बता चुके हैं टोटल निकालने का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x वाला पद इधर लाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और ये इनको ऐड कर लेंगे तो 32 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x - x/5 = 32, ये हो जाएगा हमारा, इस प्रकार बनेगा। तो जब इसे माइनस करेंगे तो 4x/5, इस प्रकार हो जाएगा 4x और ये 5 इधर आएगा, तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 32 × 5 और इसे काटेंगे 4 × 2 = 32, तो आपके कुल व्यक्ति आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 8 × 5 = 40। ये आपका तरीका कुल व्यक्ति निकालने का, ये तुम्हारे कुल व्यक्ति इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं इतने मध्य में व्यक्ति दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जितने भी क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं उनको आप कम से कम 2-3 बार रिवीजन कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है फिर आपको छूटे जाए। बैंकिंग टेस्ट में कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरीके का हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी तरीके क्वेश्चन ये लगाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जैसे आपको सरलता लगे। ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा, यानी उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चन कराएंगे उतनी ही ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। तो दिया क्वेश्चन अगला यह है कि एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी है। बहुत ही अच्छा सवाल है आज का। एक पंक्ति में 60 छात्र हैं। बहुत ही अच्छी तरह समझना, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के व लड़कियों का अनुपात दिया है, वो 3:2 है। यदि विवेक आरंभ से 18वें स्थान पर हो, यदि विवेक आरंभ से 18वें स्थान पर हो और लड़कों के अनुसार और लड़कों के अनुसार आठवें स्थान पर हो तो विवेक के पश्चात कितनी लड़कियां हैं। ये पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले दिया है पंक्ति में 60 छात्र हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2। एक विवेक आरंभ से, यानी विवेक का जो आरंभ से स्थान है वो 18वां है सभी छात्रों के अनुसार देखें तो। लेकिन अगर लड़कों के कंपेयर बात करें तो केवल लड़के हैं जो, तो लड़कों की तुलना में की जाए बात तो वो लड़के हमारे, यानी लड़कों की संख्या के आधार पर उसका 8वां स्थान है और टोटल की बात करें तो हमारा 18 है, इसमें लड़कियां भी शामिल है। तो विवेक के पश्चात कितनी लड़कियां हैं, यानी तो विवेक के बाद कितनी लड़कियां, तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आपका ये रहा, जैसे मैंने ये पंक्ति मान ली, इतनी बड़ी यहाँ पर पंक्ति है, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना, इतनी बड़ी पंक्ति है। अब इस पंक्ति में विवेक का आरंभ से स्थान 18वां दिया है, तो विवेक का स्थान मैंने आरंभ से 18वां ये मान लिया, यहाँ पर विवेक है, ये विवेक है और इसका स्थान इधर से, तो मैं ये चिन्ह लगा दिया और ये है 18वां, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया तो लड़के निकाल लेते हैं, तो टोटल हमारे 60 हैं और यहाँ पर टोटल 5 है, तो आपके जो लड़के आएंगे इसका भाग देंगे, यहाँ पर बॉय बराबर बॉय आएंगे आपके, यहाँ पर बॉय दिए 3, तो ये आपका हो जाएगा 36 हो गया। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आपका हो जाएगा 60/5 × 2, तो आपका हो जाएगा 24। लड़कियों की संख्या जो आएगी यहाँ पर हमारी 24 आएगी, लड़कों की कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन को समझिए। अब यहाँ पर 18 हो गए, इसका 18 स्थान, अब क्या कह रहा है, अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों के अनुसार उसका 8वां स्थान है, लड़कों के अनुसार कितना है, लड़कों के अनुसार ये टोटल विद्यार्थी के अनुसार 18वां और लड़कों के अनुसार यहाँ पर हम लिख दें लड़कों के अनुसार तो लड़कों के अनुसार जो उसका स्थान है वो कौन सा, ये 8वां है। अब अगर इसको विवेक को छोड़कर बात की जाए तो पीछे कितने लड़के होंगे, 7 लड़के होंगे, और इसी तरह समझना 7 लड़के होंगे, 7 बॉयज हो गए,
अब जब सेवन लड़के होंगे और यहाँ पर अगर बात करें विवेक के टोटल छात्र इसके कितने पीछे होंगे, तो टोटल तुम्हारे कितने हो जाएंगे, सत्रह हो जाएंगे, सत्रह छात्र। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विवेक को मैंने हटा दिया तो विवेक के जो पीछे छात्र होंगे वो कितने होंगे, सत्रह होंगे, और विवेक के पीछे लड़कों की बात करें तो सात होंगे। अब यहाँ पर हमारी लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां निकल आएंगी, तो यहाँ पर जो लड़कियां निकलेंगी सत्रह में से मैंने सात घटा दिया, तो यहाँ पर जो आपकी लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर हो जाएंगी लड़कियां टेन गर्ल्स, टेन गर्ल्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे सत्रह छात्र हैं, सत्रह में से सात लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, दस। अब लड़कियां टेन बची, दस बची, और टोटल हमारी है कितनी, चौबीस। बहुत ही सरल, टोटल चौबीस है। जब टोटल 24 है, 10 इधर होगी तो विवेक के पश्चात कितनी होंगी, 14 होंगी, क्योंकि टोटल हमारी 24 है, तो इधर हमारी लड़कियां कितनी होगी, इधर हमारी जो लड़कियां बचेंगी वो 14 गर्ल्स। बात समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छी तरह से, इधर हमारी जो बचेंगी 14 बचेंगी, क्योंकि 24 टोटल है और विवेक के पहले हमारी 10 दे दी, तो बाकी विवेक के पीछे कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पर लड़कों की बात करें तो लड़के हमारे कितने, टोटल 36 है, और यहाँ पर 8 हो गई, तो हमारे कितने बचेंगे, 36 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमारी जो संख्या बचेगी तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 28। लड़कों की संख्या की बात करें बाद में कितने होंगे, तो बाद में हमारे 28 बॉयज होंगे, यहाँ पर 28 बॉयज, 28 लड़के। अब आपका क्वेश्चन चलेगा लेंथ अरेंजमेंट से, लेंथ अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, एक तो दो तीन क्वेश्चन कराएंगे आपको, बहुत अच्छी तरह से लेंथ अरेंजमेंट के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेंथ अरेंजमेंट में लंबाई या उम्र के घटते या बढ़ते क्रम के आधार पर सवाल बनते हैं, तो कैसे सवाल होते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, दिया है पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस टी, पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं, एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं। अब वो खड़े होने का तरीका उनका क्या है, वो देखिए आगे देखते हैं सवाल में, क्यू सिर्फ पी से छोटा है, क्यू सिर्फ पी से छोटा है, क्यू सिर्फ पी से छोटा है, आर एस से बड़ा है, आर एस से बड़ा है, किंतु टी से छोटा है, किंतु टी से छोटा है, आर एस से बड़ा है किंतु टी से छोटा है, तो बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, पांच व्यक्ति हैं पी क्यू राष्ट्रीय पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं। अब खड़े होने का तरीका यहां पर दिए, अब ये जरूरी नहीं होता कि पी इसमें सबसे बड़ा हो, क्योंकि सीरीज दे दी, लेकिन इस सीरीज से वो खड़े नहीं होते, इधर उधर खड़े होंगे अपनी लंबाई के अनुसार अथवा अपनी एज के अनुसार, अब जिसमें खड़े हैं तो वो लंबाई के अनुसार खड़े होंगे। अब यहाँ पर कहा गया क्यू सिर्फ पी से छोटा है, बहुत अच्छी तरह ना, क्यू है वो सिर्फ पी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ पी से ही छोटा है, बाकी सब इससे छोटे हैं, यहाँ पर क्यू छोटा है पी से, तो पी ऊपर हो गया, क्यू नीचे हो गया, ऐसे बनाएंगे जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा, छोटे नीचे अपने आप बनते चलाएंगे। अब इसने बात कही थी क्यू सिर्फ पी से छोटा है, यानी अभी आप तीन लोगों की अगर हम बात करें, मैंने मान लिया एक ए और एक बी और सी, अब यहाँ पर ये बात की जाए कि ए सिर्फ सी से छोटा है, तो अपने आप ये बात हो गई कि बी सबसे छोटा है, समझ, क्योंकि उसने कह पहले कह दिया ए सिर्फ सी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, तो बस क्यू सिर्फ पी से छोटा है और जितने भी सदस्य हैं वो सब इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि सिर्फ पी से छोटा है, अगर और किसी से छोटा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसने सिर्फ लगा दी, सिर्फ का मतलब केवल। अब आगे कहा गया आर एस से बड़ा है, आर है वो
क्या है एज, अब यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे तीन वो इससे नीचे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्यू सिर्फ पी से छोटा है, इसलिए अब वो कैसे आएंगे वो देखना। आर एस से छोटा, यानी आर है वो एस से कैसा हो गया छोटा हो गया, किंतु टी से सॉरी यहां पर दिया आर एस से बड़ा है, मिस्टेक हो गई, आर है वो एस से बड़ा, यानी आर बड़ा है एस से किंतु टी से छोटा है। जब टी से छोटा है भाई यार किंतु का मतलब हुआ है पहले के लिए, पहला सदस्य हमारा आर है, यानी जो आर की बात की गई आर टी से छोटा है, तो आर जब टी से जुड़ा है टी ऊपर हो गया, हमारे तीन ही व्यक्ति यहाँ पर बने और तीनों ये सीरीज तैयार बनेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आर एस, टी आर एस। अब इसमें साफ साफ नजर आ रहा है आपको पूछ ही पूछा है कि हमारे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, मध्य में कौन है, अथवा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमारा पी हो गया, सबसे बड़ा ही हो गया, सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हो गया, और अगर मध्य की बात करें तो मध्य में हमारा टी हो गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछ सकता है कि आर से ऊपर कितने व्यक्ति हैं, यानी पर्टिकुलर नाम देकर, या आर से नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो आर से अगर ऊपर की बात करें तो आर से ऊपर तीन है, तो नीचे हमारे कितने हैं एक है, क्यू से नीचे कितने हैं, तो क्यू से नीचे तीन, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बहुत ही सिंपल है, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और लिखने के बाद तरीका तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करें कैसे हमें करना है, तो पहले क्वेश्चन लिखने के बाद उसको पॉज करेंगे और करें हल करेंगे स्वयं, उसके बाद देखेंगे कि आप लोग हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कैसा दिया है, अब क्वेश्चन दिया है कि पांच व्यक्ति एबीसीडी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, राइट, तो पांच व्यक्ति हैं न्यूज पेपर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इनका पढ़ने का क्रम क्या है, न्यूज पेपर के पढ़ने का क्रम वरीयता के आधार पर है, न्यूज पेपर के पढ़ने का क्रम उम्र के वरीयता के आधार पर है, आधार पर है। अब उम्र की वरीयता के आधार पर कैसा है वो देखिए क्वेश्चन में पता चलेगा, सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे पहले और सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बाद में, सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे पहले और सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बाद में न्यूज पेपर पढ़ता है, ये दिया सबसे बाद में न्यूज पेपर पढ़ता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज पेपर देता है, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज पेपर देता है, राइट, न्यूज पेपर देता है, यानी जो व्यक्ति सबसे पहले पढ़ता है वह पढ़ने के बाद सी को न्यूज पेपर देता है। अब कहा गया जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पेपर पढ़ा था, जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पेपर पढ़ा था उसने वह ए से लिया था, यानी
ये सबसे लास्ट में पढ़ता हुआ व्यक्ति ए से लेकर पढ़ता है, ए से लिया था, तथा ई पेपर पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तथा ई पेपर पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, अंतिम व्यक्ति नहीं है। बी और ए के मध्य दो पाठक हैं, बी और ए के मध्य दो पाठक हैं, तो बताइए उम्र में सबसे छोटा कौन है, तो बताइए उम्र में सबसे छोटा कौन है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है बहुत ही बड़ा है, ये लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नहीं करना, अपने आप इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे, केवल आप देखते जाइए। तो इसमें कहा गया कि जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं वो वरीयता उम्र की वरीयता के अनुसार है, और सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे पहले पढ़ता है। अब इसमें कहा गया सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे पहले पढ़ता है और सबसे छोटा सबसे बाद पढ़ता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को न्यूज पेपर देता है, यहाँ से क्या बात से दुई को सबसे पहले पढ़ता है सबसे बड़ा हुआ, और उससे तुरंत छोटा कौन है, सी है, क्योंकि वो सी को न्यूज पेपर देता है पढ़ने के लिए देता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर पहला व्यक्ति ये था, दूसरा हमारा है नहीं, तो दूसरा मैंने मान लिया सी है, बहुत ही अच्छी तरह समझना। दूसरा मैंने मान के क्योंकि वो सी को देगा, जब सी को देगा तो इससे बाद में सी आएगा ही, बहुत ही सरल है। अब से कहा गया है अब टोटल हमारे पांच हैं, कितने व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, और पांच व्यक्ति हैं बाद में व्यक्ति और नीचे आएंगे तीन, तीन व्यक्ति दो तो ये हमारे हो गए, एक दो तीन नीचे आएंगे, तीन चार पांच ऐसे ही आएंगे, इसी प्रकार आएंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना। मिटा दे थोड़ा, एक दो तीन चार पांच ये व्यक्ति आएंगे, इस प्रकार पांचों व्यक्ति क्रम से मैंने पहले, ये इस प्रकार है कि इसमें करने की कोई जरूरत नहीं, सबसे बड़ा ऊपर हो जाएगा सबसे छोटा नीचे हो जाएगा। अब इसके आगे कहा गया जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पेपर पढ़ा था पहला, और यहाँ पर मैंने मान लिया ये अंत था, जिस व्यक्ति ने सबसे अंत में पेपर पढ़ा था उसने वह किससे लिया था, ए से लिया था, जब भाई ए से लेगा तो ए यहाँ पर होना चाहिए, जब वो ए से लेगा तो ए को यहाँ पर होना चाहिए, इससे ऊपर तुरंत, इससे ऊपर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये एक यहाँ पर कोई और आ जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा, तुरंत ए से लिया। अब यहाँ पर अब आगे देखते हैं, उसने वह ए से लिया था, तथा ई पेपर पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। अब अगर ई पेपर पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति होगा नहीं, तीन स्थान बचे हैं, एक ये स्थान बचा, जब ई पहला और अंतिम है नहीं तो ई तीसरे नंबर पर होगा, ये कन्फर्म हो गया, ई तीसरे नंबर हो गया, क्योंकि उसने पहले ही निश्चित कर दिया कि ई पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं है पेपर पढ़ने वाला। अब बी और ए के मध्य दो व्यक्ति हैं, बी और ए के मध्य बहुत ही सिंपल है, बी और ए के मध्य दो व्यक्ति हैं, अगर हम यहाँ पर बी को बैठा रहे तो बी और ए के मध्य एक भी व्यक्ति नहीं है, और बी और ए के मध्य दो व्यक्ति कब हो सकते हैं, जब बी हमारा यहाँ पर होगा, तो बी हमारा कहाँ, यहाँ पर हो गया। अब बचा कौन, ओनली एक बचा डी, अब यहाँ पर इसमें लिखे नहीं पांच व्यक्ति, लेकिन इसमें दिया है तो पांच व्यक्ति वो ए बी सी डी ही होंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पांच व्यक्ति ए लिख लेना, ए बी सी डी ई, ई छूट गया था, पांच व्यक्ति ए बी सी डी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो ए बी सी डी। अब लास्ट में हमारा यहाँ पर कौन, जब सब हो गए तो लास्ट में डी बचेगा ही आपका, और ये डी हो गया। अब देखिए कितना सरल है, क्वेश्चन इतना बड़ा और यहाँ पर आंसर कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है यार। अब इसमें सबसे उम्र में छोटे की बात, कोई सा भी पूछे सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, डी छोटा, सबसे छोटा ई हो गया, सबसे बड़ा बी हो गया, मध्य का ई हो गया, और कुछ पूछा जा रहा था, ई से ऊपर कितने हैं, इसे नीचे, तो बराबर है, जो मध्य का तो ऊपर भी दो व्यक्ति नीचे भी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि ई से बाद में कौन व्यक्ति पढ़ता है पेपर, तो इसे बाद में ये पढ़ता है, इसे पहले कौन पढ़ता है, तो इसे पहले सी पढ़ता है, किसी प्रकार भी क्वेश्चन आपका बन जाए तो वो आपका इसमें हल हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है चैप्टर का, केवल बात होती है प्रैक्टिस की है। और आप लोग अगर इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहेंगे तो कभी भी रीजनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी समस्या है आप लोग
हमारे जिस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे हम क्वेश्चनों को कराते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन छूट भी रहा, आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा छूट गया है, हमें बताया नहीं गया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का छूट गया सर हमें बताइए, तो हम आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे ऐसे हल किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।